इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। कानपुर ब्रेकिंग। अनवरगंज थाना क्षेत्र के कुली बाजार में घर के अंदर मसाला बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। जानकारी के अनुसार अपने आप को पत्रकार बताने वाला मोहम्मद फैयाज घर के अंदर नकली मसाला बनाते हुए पकड़ा गया। पुलिस की माने तो लॉकडाउन के पहले से ही मसाला बनाने का काम चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर अनवरगंज इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ की छापेमारी। मौके से पकड़े गए फैक्ट्री संचालक, मसाला बनाने की मशीन और खुला मसाला, मसाले के पाउच पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना हरवंश मोहाल क्षेत्र की घटना। लॉकडाउन में बेवजह सैर करने निकले लोगों को कानपुर पुलिस ने कान पकड़कर कराई उठक बैठक। कानपुर के विभिन्न इलाकों में लोगों द्वारा लॉकडाउन का अनुपालन नहीं किए जाने की सूचना पर कानपुर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाना शुरू किया। थाना हरवंश मोहाल पुलिस द्वारा सड़क पर बेवजह घूम रहे बाइक सवार लोगों को पकड़कर धूप में खड़ा रखा गया। पुलिस ने लड़कों को कान पकड़कर उठक बैठक कराने के बाद नसीहत देकर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुनने के बाद भावुक हुए परमहंस, 24 घंटे का किया उपवास। अयोध्या से अंबिकानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी का जो 21 दिन का लॉकडाउन था उसके पूर्णावती पर जब मोदी जी का उद्बोधन मैंने सुना तो भावुक हो गया। और इसके बाद हमने रात्रि जागरण किया और हमने संकल्प लिया कि 24 घंटे का निराजल व्रत और जय श्री राम का जाप मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं करूंगा, जिससे मोदी जी जो राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं उसमें वो सफल होते जाए और मुगल काल में, ब्रिटिश काल में और कांग्रेस के शासन में जो हमारी भारतीय संस्कृति को जो है तो खत्म करने का दुस्साहस किया गया था, अब मोदी जी पुनः अपने देश को विश्व गुरु बनाएं और रामराज की पुनः स्थापना करें। राम मंदिर के साथ साथ में रामराज की स्थापना हो जाए और इसके लिए मोदी जी के लिए मैं आज जो है 24 घंटे का जो मेरा व्रत है और जय श्री राम का जाप मैं कर रहा हूँ। और सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि सब लोग मोदी जी का साथ दें, क्योंकि मोदी है तो हर अच्छा काम मुमकिन है। और जो रामराज के समय में राम जी के नेतृत्व में भारत की जो स्थिति थी, निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में रामराज आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य उर्फ महंत परमहंसदास तपस्वी छावनी हमेशा पूरे विश्व के जितने भी साधु संत हैं मोदी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हाँ, कुछ परसेंट जो पाक परस्त लोग हैं, गद्दार टाइप के जो एंटी नेशनल विचारधारा रखते हैं, उनके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाए और वह भी मोदी जी का साथ दे, क्योंकि मोदी एक ऐसे हैं कि दिन रात प्रयास करके अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ा रहे हैं। घर की लेटेस्ट जानकारी के लिए, अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए खंड न्यूज 24।